आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। राव नगर परिषद द्वारा जनता को राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्व विभाग के आशीष शर्मा ने बताया कि जलकर मकान टैक्स सफाई करके बकाया राशि का किया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का आयोजन होने से पूर्व मकान दुकान वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर सूचना दी गई है। हालांकि तेज गर्मी के प्रकोप का भी असर लोक अदालत में देखने को मिला। नगर परिषद के अधिकारियों को उम्मीद थी कि बकाया राशि का भुगतान अच्छा होगा, लेकिन इतने लोग शामिल नहीं हुए। दरअसल बकाया राशि वाले 50 लोगों से वसूली करना था, लेकिन 45 लोगों से तकरीब 5.5 लाख रुपए वसूल किए गए। सुबह से अधिकारियों के समय अनुसार लोक अदालत का आयोजन शुरू किया था, जो शाम तक चलता रहा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राव से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। अदालत में कितने लोगों का निराकरण हुआ और कितने केस पेंडिंग थे जो सुलझे? पेंडिंग थे 50 केस पेंडिंग आए थे, जिसमें से मतलब 45 से 47 केसों का पूरा निराकरण कर दिया। कितने रुपए की आई होगी नगर? अभी तक 5.5 लाख रुपए अभी तक आ चुके हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं टैक्स जमा करने। आगे 6 बजे तक चलेगा। अच्छा, आगे इस प्रकार के और कैंप लगेंगे? बिल्कुल, आगे साल में 4 बार लगता है लोक अदालत, तो आगे भी लगे। जी, आपका नाम? आशीष शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर परिषद।